हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर लूप। ठीक है, तो पहले तो मैं एक फाइल क्रिएट की है मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसको सेव कर देती हूँ फॉर लूप डॉट सी से। ठीक है, फॉर लूप डॉट सी से। ठीक है, अब देखिए फॉर लूप हम स्टडी करना है। इससे पहले हमने व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप स्टडी किया है, तो फॉर लूप का सिंटैक्स जो है मैं यहाँ आपके लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, फॉर, ठीक है, मैं यहाँ आपको एक बार राइट करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो फॉर लूप में तीन स्टेटमेंट होते हैं। तो पहला होता है इनिशियलाइजेशन। ठीक है, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन देन सेमी कोलन। ठीक है, ये इनसाइड ब्रैकेट होता है इनिशियलाइजेशन, देन सेमी कोलन, कंडीशन कंडीशन सेमी कोलन, एंड देन होता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, एंड इस पर डिपेंड होता है हमारा यहाँ का कोड। ठीक है, दैट मीन्स देखिए इनिशियलाइजेशन मीन्स व्हाट, हम अपने वेरिएबल को वैल्यू यहाँ असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वेरिएबल हम प्रोग्राम में लेंगे उसको वैल्यू यहाँ से असाइन करेंगे। ठीक है, यह होती है कंडीशन, एंड यह होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। डेट मीन्स जिस वेरिएबल को हमने यहाँ वैल्यू असाइन की उस वेरिएबल को यहाँ हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं और डिक्रीमेंट कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, प्रोग्राम के क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ उस वेरिएबल को, लूप कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आ जाता है, और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। दैट मीन्स इस फॉर के बाद अगर हमने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं तो वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम हम फॉर लूप का प्रोग्राम अब प्रोग्राम करके देखते हैं एग्जीक्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसके पहले जो प्रोग्राम हमने देखे, इससे पहले जो दो लूप थे हमारे, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप, तो उसमें भी हमने प्रोग्राम किया था टेबल प्रिंट करने का। तो वही सेम प्रोग्राम आज मैं आपको फॉर लूप की हेल्प से करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, टेबल प्रिंट करने का मतलब हम यूजर से एक नंबर एंटर करके लेंगे। ठीक है, तो सपोज मैं उसके लिए एक वेरिएबल लूंगी, सपोज यन मैंने वेरिएबल दिया, तो यूजर यूजर ने जो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो हम इस यन में स्टोर करेंगे। ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल यूजर ने एंटर किया 2। ठीक है, अब देखिए हमें और क्या करना पड़ता है कि इस नंबर को 2 को हमें 1 देन 2 3 4 अप टू 10 तक नंबर से हमें इस 2 को मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 1 2। ठीक है, 2 × 2 4, 2 × 3 6, अप टू हमारा आंसर आ जाएगा 20 तक। तो ये हुआ हमारा 2 का टेबल। ठीक है, तो देखिए हमें एक वेरिएबल यूजर जो नंबर एंटर करेगा वो स्टोर करने के लिए लगेगा, और एक वेरिएबल जो हमें 1 से 10 तक ले जाना चाहिए। सपोज मैं वो वेरिएबल आई लेती हूँ। ठीक है, तो आई में इनिशियली मैं 1 स्टोर करूँगी। ठीक है, एंड बाद में आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करूंगी एक एक से, तो आई प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4। ठीक है, दैट मीन्स हमारा आई जो है वो एक एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम करने के लिए हमें, ये टेबल प्रिंट करने के लिए बस दो वेरिएबल की जरूरत है यहाँ। ठीक है, 2 वेरिएबल्स आर नीडेड हेयर। ठीक है, अब हम प्रोग्राम करते हैं। तो पहले हेडर फाइल डिक्लेयर करनी पड़ेगी, हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन यूज करने वाले हैं। तो मैं yesterday.io.h जो है वो इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, yesterday.io.h। ठीक है, अब देखिए मेन मेथड हमें राइट करनी है, क्योंकि हम सी का जो कोड है वो सब कोड मेन मेथड के अंदर राइट करते हैं, हमारा एग्जीक्यूशन जो है वही मेन से स्टार्ट होता है। तो ठीक है, अब मैंने मेन का रिटर्न टाइप वॉइड दिया, क्योंकि मुझे मेन से कुछ रिटर्न नहीं करना है। ठीक है, अब दो वेरिएबल हमें यहाँ डिक्लेयर करने हैं, एक नंबर स्टोर करने के लिए और एक हमें 1 से 10 तक ले जाना है, जिससे हम हमारे नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अब यूजर को मैसेज देंगे हम एंटर दी नंबर, तो उसके लिए प्रिंट टाइप स्टेटमेंट है। ठीक है, एंटर दी नंबर। ठीक है, अब ये नंबर हमें स्टोर करना है एन में, तो उसके लिए स्कैनएफ स्टेटमेंट है, एंड हमारा एन का जो इंटीजर टाइप है वो क्या है, सॉरी एन का जो डेटा टाइप है वो है इंटीजर, तो मैं यहाँ परसेंट डी लगा दूंगी। ठीक है, अब हमें एन में वैल्यू स्टोर करनी है, तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करेंगे एंड देन एन। ठीक है, वेरिएबल का नेम हमारे एन है, तो एन सेमी कोलन। अब हमें यहाँ फॉर लूप राइट करना है, प्रोग्राम का लॉजिक इसमें राइट करते हैं हम। तो फॉर,
अब देखिए फॉर में मैंने सिंटेक्स में पहले क्या बताया था, फॉर में पहला होता है इनिशियलाइजेशन, अब हमें वैल्यू आई को असाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आई डिक्लेयर किया है मैंने, तो मैं यहाँ आई इक्वल टू 0 कर देती हूँ। ठीक है, सेमी कोलन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ हमारा, हमारा फॉर में मैंने राइट किया। अब हमें क्या राइट करना है, कंडीशन, तो टेबल प्रिंट करना है, तो हमारा आई कहाँ तक जाना चाहिए, 10 तक। ठीक है, 10 से लेस और 10 है तब तक लूप चलना चाहिए, और जब हमारा आई 10 से ग्रेटर हो जाएगा तब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जानी चाहिए। तो इसलिए मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 दिया, दैट मीन्स आई 1 हो, 2 हो, 3 हो या 10 हो, तब तक लूप चलने वाला है। जब आई 11 होगा तब हम लूप से बाहर जाएंगे। ठीक है, और हमारा टेबल भी प्रिंट हो जाएगा। अब हमें आई की वैल्यू हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के हिसाब से हमें आई की वैल्यू, सॉरी हमें 1 असाइन कर देती हूँ, 1 से 10 तक ले जाने वाली है हम। ठीक है, 1 से 10 तक हम ले जाने वाले हैं। हम ज़्यादातर फॉर लूप जो है वो डेटा स्ट्रक्चर को ट्रैवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया है। तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, सपोज एरे है आपका, तो एरे की इंडेक्स लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, तो जनरली 0 से स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी वैल्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम की नीड क्या है हमारी, हमें 1 to 10 तक ले जाना है आई। तो 1 हमने फर्स्ट इनिशियलाइज किया आई को, आई वैल्यू 1 वैल्यू स्टोर किया आई में, एंड हमें आई क्या करना है, प्लस प्लस, क्योंकि हमें 1 से 10 तक ले जाना है, तो ऑब्वियसली हमें प्लस प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी ज़रूरत होती है कि हम माइनस माइनस भी करते हैं वेरिएबल, दैट मीन्स डिक्रीमेंट भी करते हैं वेरिएबल में। और ऐसा नहीं है कि हम वैल्यू बस 1 से ही बढ़ा सकते हैं, हमें जितने भी बढ़ाने हैं हम उतने भी बढ़ा सकते हैं। बस अब प्रोग्राम के हिसाब से मैंने आई 1 से प्लस प्लस किया, क्योंकि हमें एन को एक बार 1 से मल्टीप्लाई करना है, देन 2 से, 3 से, 4 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं प्रिंट एफ स्टेटमेंट राइट करती हूँ, प्रिंट एफ, एंड हमें एन इंटू आई प्रिंट करना है, एन इंटू आई का जो आंसर होगा तो वो इंटीजर होने वाला है, क्योंकि हमारा एन इंटीजर है, आई इंटीजर है, तो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी ऑब्वियसली इंटीजर होने वाली है। ठीक है, और मैं यहाँ स्लैश एन देती हूँ ताकि हर एक वैल्यू हमें नई लाइन पे मिले। ठीक है, तो न्यू लाइन के लिए मैंने स्लैश एन एंटर किया, एंड हमें वैल्यू किसकी प्रिंट करनी है, एन इंटू आई की, तो मैं यहाँ राइट करती हूँ एन इंटू आई। ठीक है, तो बस इतना ही प्रोग्राम हमें करना था। ठीक है, इससे हमारा आउटपुट आ जाएगा। अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। ठीक है, देखिए अब मेरा जो प्रोग्राम है वो स्टोर कहाँ है, तो डेस्कटॉप के जनरल फोल्डर में, तो इसलिए मैं पहले फोल्डर में जाती हूँ, डेस्कटॉप देन जनरल। ठीक है, अब प्रोग्राम कंपाइल करना है हमें, तो क्या सी का कंपाइलर है, जीसीसी, हमारे प्रोग्राम का नेम फॉर लूप डॉट सी। ठीक है, फॉर लूप डॉट सी। अब प्रोग्राम को हमें एरर कोई नहीं है तो हम डायरेक्टली रन करेंगे। ठीक है, डॉट स्लैश ए डॉट ई एक्स सी, इससे हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मेरे लिए यहाँ मैसेज आया है एंटर द नंबर। ठीक है, तो एंटर द नंबर, आप कुछ भी नंबर एंटर कर सकते हैं, मैं यहाँ आपको 2 एंटर करके दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ 2 का टेबल प्रिंट हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर रन करके दिखाती हूँ, आप कोई भी नंबर एंटर कर सकते हैं, मैंने हर आउटपुट में आपको 2 ही एंटर करके दिखाया, तो आपको लगेगा 2 ही क्यों एंटर करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको और कुछ अलग नंबर एंटर करके दिखा देती हूँ, उसका भी टेबल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हुआ हमारा फॉर लूप। ये लॉजिक तो मैं आपको हर प्रोग्राम में समझा चुकी हूँ, क्योंकि हमने टेबल ही प्रिंट किया है इससे पहले, डू व्हाइल लूप में, व्हाइल लूप में। ठीक है, अब हम यहाँ फॉर लूप का सिंटैक्स समझ लेते हैं, ताकि एग्जीक्यूशन कैसे होता है आपके समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये पहला स्टेटमेंट जो है ये है इनिशियलाइजेशन। एक बात आपको याद रखनी है पक्की, तो वो ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अपने लूप में, ये पूरे लूप में एक ही बार एग्जीक्यूट होता है। कंडीशन जो है ये बार बार चेक होती है। ठीक है, दैट मीन्स देखो अब फ्लो कैसे हुआ होगा, 2 वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए, यूजर से वैल्यू एंटर करके एन में स्टोर की, इसके बाद क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 सेट हो गई। ठीक है, बाद में कंडीशन चेक हुई, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, 1 10 से लेस है। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारा एन इंटू आई प्रिंट हुए, मुझे एन इंटू आई की वैल्यू क्या हुई, 2 इंटू 1, तो यहाँ 2 प्रिंट हो गए। ठीक है, बाद में ये अब न्यू लाइन पे प्रिंट होने वाला है, पर मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये लाइन जब प्रिंट हुई तो उसके बाद ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, फॉर लूप की जो थर्ड स्टेटमेंट है फॉर लूप का, वो इस लाइन के बाद एग्जीक्यूट हो जाता है।
ये ध्यान में रखना आप। दैट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, देन सेकंड एग्जीक्यूट हुआ एंड देन थर्ड एग्जीक्यूट हुआ, ऐसा फ्लो नहीं है फॉर लूप का, ये आप समझ दीजिए। ठीक है, पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और ये स्टेटमेंट एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है, बाद में सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और इस पर डिपेंड करता है हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आ जाता है या बाहर आ जाता है। दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारा कंट्रोल लूप के अंदर आ जाता है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल लूप के बाहर आ जाता है। ठीक है, अब ये कंडीशन ट्रू थी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, जब हमारा थर्ड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है कंपलसरी, क्योंकि फिर एक बार कंडीशन चेक हो जाती है। क्योंकि अब देखो आई की वैल्यू प्लस प्लस हुई, दैट मीन्स आई की वैल्यू वन थी तो अब क्या हो गई टू, फिर एक बार चेक होता है टू लेस देन टेन, टू लेस देन इक्वल टू टेन, तो टू लेस है टेन से तो कंडीशन ट्रू हो गई, फिर एक बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। अब क्या हुआ, एन इंटू आई, एन की वैल्यू तो टू ही है जो यूजर ने एंटर की है, सपोज टू एंटर की यहाँ, तो टू इंटू आई, अब आई की वैल्यू प्लस प्लस होकर टू हो गई थी तो यहाँ प्रिंट हो गए फोर हमारे। ठीक है, बाद में फिर आई प्लस प्लस हुआ, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट हो जाता है इसके बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, थर्ड फॉर लूप का थर्ड स्टेटमेंट। अब यहाँ आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू हो गई थ्री, थ्री लेस देन इक्वल टू टेन, कंडीशन ट्रू है तो फिर ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, यहाँ टू इंटू थ्री प्रिंट हो गए सिक्स। ऐसे होता है हमारा बार बार एग्जीक्यूशन, जब आई प्लस प्लस होके इलेवन हो जाएगा, समझो अब बाकी के इटरेशन हम हमारे हो चुके हैं, अब आई प्लस प्लस होके इलेवन हो गया, तो इलेवन लेस देन इक्वल टू टेन कंडीशन फॉल्स हो गई, जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल हमारा इस लूप के बाहर आ जाता है। अगर हमने लूप के बाहर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं तो वो प्रिंट हो जाएंगे, एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और अगर हमने कुछ दिए ही नहीं स्टेटमेंट तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाले। अब देखिए इतना तो फॉर लूप शायद आपको पता भी होगा, पर मुझे और कुछ बातें फॉर लूप के बारे में आपको बतानी है, वो है ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये अगर आप ना भी लिखो तो भी चलता है। ठीक है, दैट मीन्स देखो मैं आपको रन करके भी दिखाती हूँ। अब ये स्टेटमेंट जो है थर्ड स्टेटमेंट, मैंने फॉर लूप का दिया ही नहीं, अब देखो आई की वैल्यू कभी प्लस होने वाली ही नहीं है, हो जाएगी क्या, आई की वैल्यू कभी प्लस नहीं होगी। दैट मीन्स पहले ये जो स्टेटमेंट है ये तो एक बार ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, तो आई इक्वल टू वन हो जाएगा। ठीक है, सपोज मैंने टू एंटर किए तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू इंटू वन टू हो जाएगी। ठीक है, बाद में फिर क्या क्या हो जाएगा, ये कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन इक्वल टू टेन, आई तो वन ही है, आई ना इंक्रीमेंट हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ, तो वन लेस देन इक्वल टू टेन ट्रू है, तो फिर एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, एन इंटू आई, आई तो वन ही है, फिर टू प्रिंट हो जाएगी, हर बार यही होता जाएगा, और ये कंडीशन जो है ये कभी फॉल्स ही नहीं होगी इस कंडीशन में। ठीक है, अगर ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगी तो हमारा जो लूप है वो इनफिनिट लूप में चला जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये प्रोग्राम भी रन करके दिखाने वाली हूँ। अब मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए हैं तो मुझे एक प्रोग्राम एक बार क्या करना पड़ेगा, कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैं प्रोग्राम कंपाइल करके आपको रन करके दिखाती हूँ। अब देखो मैं फिर से टू नंबर एंटर करती हूँ तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, कंटिन्यूस से टू प्रिंट होते जाएंगे आपकी स्क्रीन पे। यहाँ देखिए कंटिन्यूस ये ट्रू टू यहाँ प्रिंट हो रहा है, देखिए मैं आपको ऊपर कर्सर लेके जाके दिखाती हूँ। देखो ये टू जो है आपको कंटिन्यूस दिखा रहे हैं। ठीक है, ये कभी एग्जिट ही नहीं होगा क्योंकि ये जो लूप है ये इनफाइनाइट टाइम्स चलने वाला है। अब अगर हमें खुद से एग्जिट करना पड़ेगा इससे, ठीक है, तो मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए तो आप समझ गए होंगे शायद कि ये जो स्टेटमेंट है ये आपका कंपलसरी नहीं था, वैसे ही ये भी स्टेटमेंट आपका कंपलसरी नहीं है। दैट मीन्स आप चाहो तो ना लिखोगे तो भी चलता है। अब देखिए ऐसा लिखोगे तो भी आपका आउटपुट क्या आने वाला है, कंटिन्यूसली टू, क्योंकि आई इज इक्वल टू वन है एंड यहाँ क्या है, एन इंटू आई, एन इंटू आई मतलब टू, ये लूप जो है ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा क्योंकि इस पर कोई कंडीशन दी ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये भी मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। मैंने प्रोग्राम में चेंजेस किए तो मैं एक बार कंपाइल करती हूँ। देखो कंपाइल करने के बाद कुछ एरर नहीं आ जाती है तो इसका मतलब जो सिंटैक्स हमने लिखे है वो वैलिड है। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम आपको रन करके दिखाती हूँ। अब मैं फिर एक बार टू एंटर करती हूँ तो देखिए कंटिन्यूसली ये लूप चल रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स टू प्रिंट होते जा रहे हैं। देखो मैं यहाँ से दिखाती हूँ आपको स्क्रोल करके, तो ये कंप्लीट स्क्रोल ही नहीं होता है क्योंकि हम जैसे भी ऊपर स्क्रोल करते हैं नीचे टू प्रिंट ही हो रहे हैं। ठीक है, ये तो ये हमें खुद से कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, तो शायद आप फॉर लूप समझ गए होंगे। अब देखिए आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हमने डू व्हाइल लूप देखा तो भी टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम लिया, व्हाइल लूप देखा तो भी टेबल ही प्रिंट किया,
फॉर लूप से ही हमने टेबल प्रिंट किया, अगर इसमें से कौन सा भी एक लूप हम सीख हमें आता तो क्या बाकी के लूप स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक ही लूप से हम सेम ही प्रोग्राम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर एक लूप की अपनी एक स्पेशलिटी है, दैट मीन्स हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने वाले हैं, डू डू व्हाइल लूप का है यूज करना, फॉर लूप का है यूज करना और व्हाइल लूप का है यूज करना। मैंने ये सिंपल प्रोग्राम है जो आपको सिंटेक्स समझाने के लिए लिया था, और ये प्रोग्राम का लॉजिक भी आप समझ गए और इसके सिंटैक्स भी आप समझ गए। अब आपको ये देखना है कि कौन सा लूप किस क्वेश्चन में यूज करना है, अप्रोप्रिएट कौन सा लूप हमें किस क्वेश्चन में कैसे लगाना है। तो ये देखने के लिए ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ताकि ये वीडियो हमारा लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि हम कौन सा लूप कहाँ यूज करेंगे। और अगर आपको मेरे ये वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मेरे जो नए वीडियोज आए वो भी आप देख सकोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सा लूप हमें कहाँ यूज करना है। तो बने रहे इस चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना, थैंक यू।